यूपी में पहले दौर का प्रचार तेज हो गया है, जिसका शोर सड़क पर कम सोशल मीडिया पर ज्यादा सुनाई दे रहा है। जनता तक पहुंचने के लिए हर दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब दिया है। साथ ही बीजेपी को महिला विरोधी भी करार दिया। और क्या कहा प्रियंका गांधी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। इस बार पार्टियों को प्रचार के लिए रैली और आम सभाओं की इजाजत नहीं मिली है, इसलिए प्रियंका गांधी ने वर्चुअली प्रचार शुरू किया। फेसबुक लाइव कर पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए प्रियंका ने उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। प्रियंका गांधी ने हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अर्चना गौतम पर विपक्षी छिटाकशी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। साथ ही उन्होंने बीजेपी को महिला विरोधी बताया। योगी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि महिलाओं की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाले योगी जी, उनकी पार्टी और उनके नेताओं की महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है, ये स्पष्ट करती है। आप कौन होते हैं महिलाओं को नियंत्रण करने वाले? प्रियंका गांधी ने महिलाओं के मुद्दे के साथ साथ युवाओं के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के भी मुद्दे उठाते हुए कहा कि बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। देश के नौजवान सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नौकरी के बदले उन्हें लाठी मार रही है। कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट दिया है जिन पर बीजेपी की सरकार ने अत्याचार किया है। हमारी कई प्रत्याशियों पर पुलिस ने और सरकार ने अत्याचार किया। हमने फैसला किया है, हम उनके हाथ से सत्ता छीनेंगे और उनको देंगे जिन पर बीजेपी ने अत्याचार किया है। बीजेपी हमेशा ये सवाल उठाती आई है, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, 70 साल में क्या हुआ? सवाल उठाने वाले 70 साल की उपलब्धियों को नहीं जानते। हमारी राजनीति और बीजेपी की राजनीति में सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।